नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए देश भर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद चित्रकूट वृक्षारोपण कर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। वहीं जनपद फतेहपुर में फतेहपुर की सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अमर शहीद बावन इमली परिसर में वृक्षारोपण किया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। अमर शहीद बावन इमली परिसर में बावन इमली का पेड़ जब मैं 2014 में आई थी तो यह पेड़ सूखने की कगार पर था, लेकिन आज यह पेड़ फिर से हरा भरा है और पेड़ में फल और फूल आ गए। ये जी के नाम बावन लोगों को फांसी दी गई थी बावन इमली में, उसमें वृक्षारोपण का सघन अभियान चालू किया गया। केंद्रीय मंत्री माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी के द्वारा सब लोग कार्यकर्ता समस्त उपस्थित रहे और इस वृक्षारोपण से हर व्यक्ति अगर पौध लगा के और उस पौध को तैयार कर दे तो आज जो मानसून हमारा समय से बारिश नहीं करती, तापमान का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें हम वृक्षों से ही इस तापमान को और बारिश को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है, हमारा जल स्तर नीचे गिर रहा है, कई ब्लॉक हमारे जो है डार्क जोन घोषित हो चुके हैं, अमौली ब्लॉक भी डार्क जोन घोषित हो गया है। तो जब तक हम वृक्ष नहीं लगाएंगे, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने योजना चला रखा है कि वृक्ष भी लगेंगे, पार्क बनेंगे और ये जो आपका सरोवर तालाबों को बनाने के लिए उद्देश्य यही है कि जो बारिश का पानी धीरे एकत्रित हो, तालाबों में रुके और जल स्तर सामान्य रहे, जिससे डार्क जोन खत्म किया जाए। आज हम सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जब जब कोई महामारी आती है ऑक्सीजन का अभाव पड़ जाता है। आज शुद्ध वातावरण में हर व्यक्ति रहना चाहता है, प्रदूषित वातावरण में रह करके जीवन बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए इस अभियान को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में चला रखा है। हर ग्राम पंचायतों में 5 लक्ष्य रखा गया है, 500 पेड़ लगाए जाएंगे और उन वृक्षों की हम देखभाल भी करेंगे। वृक्ष हर वर्ष लगाए जाते हैं और लाखों में लगते हैं, हजारों में नहीं तैयार मिलते। इसलिए हमारी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रति व्यक्ति एक वृक्ष लगाए पर उस वृक्ष की हम निगरानी रखें, 5 वर्ष तक उसको रखरखाव में तैयार करें, तभी हम पर्यावरण को बचा पाएं।